सचिन है मन का विश्वास कमजोर हो इतनी शक्ति हमें दे विश्वास कमजोर हो ना हम चलेंगे रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति हमें दे दाता मन का विश्वास कमजोर हो भूल अज्ञान के हो अंधेरे ज्ञान की रोशनी दे हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी दे भले जिंदगी दे रोना किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना हम चले नेक रस्ते पे हम कर भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना सोचे हमें क्या मिला है हम ये सोचे किया क्या है पल भूल खुशियों के बाटे सभी को सबका जीवन ही बन जाए मधुबन अपनी करुणा का दस्तूर बहाके कर दे बावन हर एक मन का होना काम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें दे विश्वास कमजोर हो सर बड़े नो ब्राइटनेस विजय दी रूबल वेस्ट बंगाल कलकत्ता वाले को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कृष्णा ब्रांड का आज 27वां शोरूम वेस्ट बंगाल में हुआ जो इंडिया की जो शुरुआत हुई है बिजनेस की वो वेस्ट बंगाल में हुई है तो कृष्णा के लिए हरि कृष्णा ग्रुप के लिए बहुत बड़ी बात है। आप सभी को मालूम होगा डायमंड ज्वेलरी सभी लेडीज का सपना होता है एक दिन मेरे को डायमंड ज्वेलरी खरीदने का है। तो हरि कृष्णा ग्रुप 1992 में स्टार्ट हुआ डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करते थे उसमें से 2005 में हमने कृष्णा ब्रांड लॉन्च किया जो आज पूरे इंडिया में 1500 से ज़्यादा शोरूम में अवेलेबल है कृष्णा ब्रांड। और अभी हमने लास्ट 1.5 साल से फ्रेंचाइज स्टार्ट किया हुआ है एक्सक्लूसिव कृष्णा का रिटेल शोरूम ये 27वां है। हरि कृष्णा ग्रुप डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करते 85 कंट्री में एक्सपोर्ट करते पूरे ग्रुप में 9000 लोग है और हमारे 1500 रिटेलर फ्रेंचाइज पार्टनर सभी मिला के फैमिली के साथ गिने तो 40,000 लोग हरि कृष्णा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। और हमारा लक्ष्य हर घर कृष्णा हर घर में कृष्णा मिलना चाहिए वो हिसाब से चल के हम इंडिया में पूरे इंडिया में हमारा शोरूम है पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है डायमंड और ज्वेलरी में बहुत सारे ब्रांड है लेकिन कृष्णा ब्रांड जो है ये रॉ मटेरियल साउथ अफ्रीका माइनिंग से सीधा लेके
खुद डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और रिटेलर के थ्रू सीधा कंज्यूमर के पास पहुंचे। जैसे कृष्णा एक ही ब्रांड है इंडिया में जो डायमंड का और ज्वेलरी का दोनों मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सर, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार जो रिपोर्ट और वर्ल्ड में क्या सभी को गोल्ड की इच्छा होती है लेने की, उसमें दो है, एक तो पहनने का और दूसरा है इन्वेस्टमेंट का। इंडिया में 140 करोड़ जनता है तो सभी के मन में एक दिन में तो गोल्ड लेने का, लेकिन उसमें से अभी जो ट्रेंड चेंज होते आ रहा है, आज के यंग कंज्यूमर है उसको डायमंड ज्वेलरी पहनने का है, जो गोल्ड ज्वेलरी है उसके सामने डायमंड ज्वेलरी खाली 3% का लोग ही अभी तक लिए हुए है, तो 97% के पास बाकी है। और 10 साल का 20 साल का हिस्ट्री देखे तो डायमंड का प्राइस भी हर साल 8 से 10% बढ़ते है और गोल्ड का प्राइस भी बढ़ते है, तो एक ऐसा प्रोडक्ट है डायमंड और गोल्ड, पहनो और प्राइस बढ़ो, ऐसा वर्ल्ड में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है कि पहनो और प्राइस बढ़े। गोल्ड और डायमंड ऐसा प्रोडक्ट है कि पहनो और प्राइस बढ़े। बंगाल में आपका कैसा बिजनेस है? अक्षय तृतीया में सेल डाउन चल रहा था, इस साल क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? लास्ट ईयर की कंपेयर में इस साल क्या, लास्ट 15-20 दिन से डायमंड गोल्ड का प्राइस स्टेबल हुआ है, तो ये अक्षय तृतीया में गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज करते हैं और यूज करने के लिए, तो गोल्ड का डिमांड तो बढ़ते जाने वाला है, क्योंकि इंडिया में जो पोटेंशियल है, नई जॉब मिल रही है, नया स्टार्टअप हो रहा है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से स्पेंड पावर बढ़ गया हुआ है। पहले ये था लोग स्पेंड नहीं करते थे, सेविंग करते थे, आज स्पेंड कर रहे हैं, और ये तो सबसे बढ़िया में बढ़िया प्रोडक्ट है गोल्ड और डायमंड का। बहुत सारा है लेकिन सबसे जो यूनिक है कृष्णा की डिजाइन कंज्यूमर को पसंद आ रही, आज के यंगस्टर को जो पसंद आ रही वो इंटरनेशनल डिजाइन हम इंडिया में कृष्णा में लेके आए। दूसरा कृष्णा का जो प्राइस है बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस है, मतलब 5,000 में डायमंड पेंडेंट हम दे रहे, 7,000 में रिंग दे रहे, इंडिया में कोई ब्रांड ये प्राइस में नहीं दे रहे। ये प्राइस में देने का हमारा लक्ष्य है कि डायमंड का और ज्वेलरी का दोनों का मैन्युफैक्चरिंग है और हम हर घर कृष्णा देखना चाहते, मतलब हर 140 करोड़ जनता के चेहरे में खुशियां देखना चाहते कि कोई डायमंड ज्वेलरी पहने और वो फर्स्ट डायमंड ज्वेलरी वो कृष्णा पहने, ये हमारा लक्ष्य है, तो बहुत बड़ा स्कोप है और बाकी सभी ब्रांड से कृष्णा अलग है। आप लोगों का बाईबैक स्कीम है? बाईबैक स्कीम कॉम्प्रोमाइज है क्या दूसरे कंपेयर के तुलना में? जो बायबैक का बताया तो कृष्णा में बायबैक की जो पॉलिसी है 90% बायबैक है, कभी भी पैसा जरूर पड़ेगा तो 90% करंट प्राइस से मिलेगा और 95% एक्सचेंज। दूसरा जो कृष्णा में अलग है कि जो कृष्णा डायमंड खरीदेंगे उसके नाम से एक पौधे डालेंगे और वो भी वेस्ट बंगाल और कलकत्ता में, और एक निडी आदमी को खाना खिलाएंगे, तो कंज्यूमर खरीदे तभी सोचेंगे बाकी ब्रांड से ये कृष्णा ब्रांड अलग है, मेरे को ये प्रोडक्ट लेना चाहिए।